देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। श्री उत्तराध्ययन सत्र के परम उद्गाता सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवंत के श्री चरणों अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं श्रवण संघीय मंत्री जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी आत्मप्रिय मधुरवक्ता श्री शमित मुनि जी हितमित भाषी श्री हितेंद्र ऋषि जी भाग्यशालियों आप सभी श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान में परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रवण कर रहे हैं। आज ये श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना का 10वां दिवस और आप सब ने मूल में 19वें अध्ययन का भावार्थ श्रवण किया। अर्थ सहित विवेचन में कल आप सब ने कौन सा अध्ययन सुना था? नमी पवज्जा। यह अध्ययन किसके लिए पढ़ना चाहिए? कल मैंने बताया था यह अध्ययन किसके लिए पढ़ना चाहिए? वैराग्य के लिए इस अध्ययन का आद्योपांत विवेचन सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन साधु साध्वी और वैरागी आदि जो है वो इस अध्ययन का स्वाध्याय करते हैं। कल के अध्ययन में बतलाया गया था कि नमी ने संसार की असारता को जान करके एकत्व में सुख जान करके क्या कर लिया? जिन दीक्षा अंगीकार कर ली। और आज के अध्ययन है द्रुमपत्रक। द्रुमपत्रक का मतलब है पीला पत्ता। वृक्ष आपने देखे होंगे, पीला पत्ता भी अनेक बार देखा होगा, परंतु क्या है पीला पत्ता, कौन सा वृक्ष आदि की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। परम पद की प्राप्ति मनुष्य के उत्तरोत्तर विकास से होती है। मनुष्य उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त करता है तभी जाकर के सिद्ध गति मिलती है। ऐसा नहीं कि वो एक सामयिक कर ले और मोक्ष चला जाए, उसके लिए उसे उत्तरोत्तर विकास करना होता है। इस संसार में मानव जीवन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। कौन से अध्ययन में आप सबने सुना था ये? मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, ये विवेचन हो चुका है। कौन से अध्ययन में सुना था? चार अंग दुर्लभ की बात बताई थी, उसमें पहला मनुष्य भव, कौन सा? चतुरंगीय, तीसरा अध्ययन। और उसमें आप सबने सुना था कि मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। सभी धर्मशास्त्रों का प्राय एक ही अभिमत है कि मानव शरीर महान पुण्य प्रकृतियों से ही प्राप्त होता है। आत्मविकास के लिए कुछ ऐसा जीवन जीना होता है, कुछ ऐसी विकास की गति लानी होती है। वो क्या गति है? अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आना, उसके बाद स्थावर काय से त्रस्काय में आना, त्रस्काय से मानव भव का मिलना, मानव बनने के बाद आर्य देश में जन्म लेना, आर्य देश में जन्म लेने के बाद दीर्घ आयु का मिलना, इंद्रियों का पूर्ण मिलना, निरोग शरीर का मिलना, उत्तम जाति का मिलना, उत्तम कुल का मिलना, ये सब मानवता के विकास की द्योतक बाह्य सामग्रियां हैं। इनके होने के बाद भी केवली भाषित धर्म का सुनना दुर्लभ है। और सुनना सुन तो लिया, परंतु सुनने के बाद श्रद्धा करना भी दुर्लभ है। संयम में पराक्रम करना तो दुर्लभतर है। सुन ली वाणी, वाणी सुनने के लिए आ गए। भगवान ने कहा था कि आप सबको अनुष्ठान में बैठना है और भागे भागे सुबह 8:15 बजे अनुष्ठान में पहुंच जाते हो। आ गए हैं अनुष्ठान में, सुन रहे हैं, ठीक है महाराज तो बोलते रहते हैं, सुन रहे हैं परमात्मा की वाणी, परंतु श्रद्धा नहीं है। तो सुन लेना कि श्रद्धा के बिना बेड़ा पार नहीं होता। केवल आप कुछ एक पुण्य का उपार्जन कर रहे हो, परंतु कर्म निर्जरा की जो तीव्र गति होनी चाहिए वो गति नहीं है। और सुन लिया, श्रद्धा कर ली, और उसके बाद परम दुर्लभ है संयम में पराक्रम। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं तथ्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इस अध्ययन का नाम है द्रुमपत्रक। इसका अर्थ है वृक्ष का पत्ता या वृक्ष के पत्ते। पत्ते की विविध अवस्थाएं हैं। आपने अपने बगीचे में छोटा सा वृक्ष लगाया होगा कभी, और उसको कभी ध्यान से देखा होगा तो उसकी अनेक अवस्थाएं होती हैं।
जैसे एक बालक जन्मता है तब छोटा होता है, एक माह का अलग अवस्था में होता है, दो माह का अलग अवस्था में होता है, एक साल का अलग अवस्था में होता है, ऐसे वृक्ष की जो अवस्थाएं हैं उसमें बताया, पहली अवस्था है कोमपल, दूसरी अवस्था है किसले, तीसरी अवस्था है हरा पत्ता, चौथी पीला पत्ता और पांचवी सूखा पत्ता। इस प्रकार क्रमशः पत्ते की अवस्थाएं बदलती रहती है, जिसमें लालिमा और सुकोमलता हो वह कोमपल है। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें लालिमा और सुकोमलता है वह कोमपल, जब लालिमा और सुकोमलता के साथ हरापन आ जाए तो वह किसलय बन जाता है, हरेपन के साथ अपेक्षाकृत कुछ कठोरता आ जाए तो वह हरा पत्ता बन जाता है, जब उसमें बुढ़ापे को प्रमाणित करने वाला पीलापन उत्पन्न हो जाए तो वह पीला पत्ता, और जिससे सभी जीवन के तत्व सूख जाए तो वह सूखा पत्ता, उससे शाखा के साथ रहने का अधिकार छिन जाता है, वायु का हल्का सा झोंका आते ही वह वृक्ष के से सदा सदा के लिए अलग होकर के धरती पर गिर पड़ता है, यही स्थिति मनुष्य जीवन की बतलाई गई है। वृक्ष के पत्ते, एक बात और है इस बात को समझाने के लिए, एक अलग बात और भी कही है कि जैसे कुछ वृक्ष के कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो कोमपल अवस्था में ही वृक्ष से अलग हो जाते हैं, उन्हें बकरी चर जाती है, गाय चर जाती है, जैसे मर्जी। उसके बाद कुछ किसलय अवस्था में अलग होते हैं, कुछ हरा पत्ता बनता है तब अलग हो जाते हैं, कुछ पीलापन आ जाने के बाद अलग होते हैं, और बाकी सब पत्ते सूखापन आने पर वृक्ष से अलग हो जाते हैं। सूख जाने पर तो वृक्ष से उन्हें नियमन ही झड़ना ही पड़ता है। इसी प्रकार मानव जीवन को पाकर कुछ जीव क्या होते हैं, गर्भ अवस्था में ही मर जाते हैं। कहा भी है, ये नर जीवन क्षण भंगुर है, ना क्षण भर का प्रमाद करो, निंदा वी कथा विषयों में फंस, ना जीवन ये बर्बाद करो, ये नर जीवन क्षण द्रुम पत्र पीला पड़ जाता, उसका बिंदु है ढल जाता, ये मानव जीवन है टुकड़ा बर्फ का जो धीरे धीरे गल जाता, नरभव की दुर्लभता जानो, नरभव की दुर्लभता जानो, जीवन में कुछ आह्लाद भरो, ये नर जी। ऐसे ही ये नर जीवन क्षणभंगुर है, कुछ जीव गर्भावस्था में मर जाते हैं, कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ बाल्यकाल में मर जाते हैं, कुछ किशोर अवस्था में मर जाते हैं, कुछ जवानी आने के बाद मर जाते हैं, कुछ ढलती जवानी में मरते हैं, कुछ बुढ़ापे में मरते हैं, और अंतिम समय जब काल बुलावा आता है तो कोई यहाँ रहता है? बताओ, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो काल बुलावा आने पर इस संसार में रहा हो सदा सदा के लिए शाश्वत, कोई नहीं रहता। उस समय में दुनिया में जीने के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे कुशा के अग्रभाग में अवस्थित ओस का बिंदु कुछ काल के लिए, सुबह सुबह सैर करने जाते हो हरी घास के ऊपर, कुछ चमकीले मोती जैसे ओस के बिंदु दिखते हैं, वो कब तक है? जब तक सूर्योदय नहीं होता। कहते हैं, जो तरल ओस के जल बिंदु गिर कुशा अंक पर जाते हैं, वे कुशा अंक पर गिरे हुए मोती सी शोभा पाते हैं, पर जो ही दिन कर चढ़ता नभ पर पाते ज वही ढल जाते हैं, इसी भांति से सब प्राणी मर मर कर मर घट जाते हैं, इसलिए पाप से दूर रहो और मरण काल को याद करो, तुम सत्य धर्म के पालन में हे गौतम मत प्रमाद करो। भगवान की वाणी है, इसी अध्ययन का ये हिंदी रूपांतरण है। कहा है कि जैसे ही सूर्य नभ पर आ जाता है तो वो ओस की बिंदु गायब हो जाती है। नर जीवन, ये मानव का जीवन कुछ ऐसा है कि वह थोड़े समय में खत्म होने वाला है, वैसे ही
कुछ मनुष्य अपनी भौतिक सुख समृद्धियों को दिखलाकर अपने भरे भराए रिश्तेदारों के मेले को छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य जिनकी आयु लंबी होती है किंतु उनके जीवन में सुख शांति के साथ हजारों विघ्न रहते हैं। रोग शोक भय हानि विषाद चिंताएं आदि में उनका जीवन फंसा रहता है। धर्म आराधना के योग्य मनुष्य भव दुर्लभ क्यों है? इसलिए कि कर्मों का फल अचिंत्य है। कर्मफल जीव को कैसे कैसे भोगना पड़ता है इस संदर्भ में मनुष्य श्रुत ज्ञान के प्रकाश में ही आंशिक रूप से कुछ जान सकता है, पूर्णतया नहीं। मनुष्य जीवन तो देवों के लिए भी दुर्लभ है, अन्य प्राणियों के लिए तो बात ही अलग है। जिन पुण्य प्रकृतियों से जीव मनुष्य भाव में आता है उनके अभाव में मनुष्य बने तो कैसे बने? मनुष्य भाव दुर्लभ क्यों? इसके बारे में बताया कि जीव की चेतना जब तक मिथ्यात्व और अविद्या से घिरी हुई है तब तक वह पापों की ओर अभिमुख बना रहता है। यदि ऐसे जीव को मानव भाव की प्राप्ति हो जाए तो वह ज्ञानियों की दृष्टि में नगण्य माना जाता है। मिल तो गया, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, एक कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक चमकीला पत्थर मिल गया। मिल तो गया परंतु गवाया कैसे? गवाया कैसे? कुछ कहते हैं पानी में डाल करके गवाया और कुछ कहते हैं सब्जी वाले को बेच करके गवाया। ऐसा ही है हमारा जीवन कि अगर हम मनुष्य भाव पाकर के भी मिथ्यात्व में रहे तो मनुष्य भाव पाना सार्थक नहीं। मनुष्य भाव पाने के बाद सम्यक्त्व पाने का, सम्यक्त्व प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिस पुरुषार्थ की ओर आचार्य भगवान आपको अग्रसर कर रहे हैं। मनुष्यत्व की अपेक्षा जिनवाणी श्रवण करना दुर्लभतर है, क्योंकि विकारों को उभारने वाली बातें अधिक रुचिकर लगती है। देख लो, भगवान फरमाते हैं एक फिल्म टॉकीज में आ जाए तो तुरंत सुनने का देखने का मन करता है, दौड़े दौड़े वहां पर जाते हैं। ब्लैक में भी टिकट खरीदते हैं परंतु जाते हैं। वैसे ही जिनवाणी सुनने की प्रेरणा दे तो महाराज अभी तो दिवाली का समय है, सीजन चल रहा है, घर में साफ सफाई करनी है, आप तो सुबह 8:15 ही बुला लेते हो, उस समय तक तो बच्चे ही स्कूल नहीं जाते। अनेकों बातें सामने आ जाती है और जिनवाणी सुनने से विमुख हो जाते हैं। जिनवाणी सुनने पर भी श्रद्धा का होना दुर्लभ और श्रद्धा करने के बाद भी उसमें पराक्रम करना और दुर्लभ है। इस अध्ययन की एक विशेषता है कि प्रत्येक गाथा की अंतिम लाइन है समयम गोयम मापमाए। इसका अर्थ है कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इस अध्ययन में 37 गाथाएं हैं और अंतिम गाथा को छोड़ करके 36 बार परमात्मा प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को फरमाया समयम गोयम मापमाए। परंतु ये केवल गौतम स्वामी के लिए नहीं कहा, ये समयम गोयम मापमाए हम सब के लिए कहा है। समयम गोयम मापमाए का क्या अर्थ है? इसमें बतलाया कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। समय कितना होता है मालूम है? ज्ञानी जन कहते हैं, आगमकार कहते हैं, परमात्मा फरमाते हैं कि आप पलक झपकते हो ना, इसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं। बात बतलाई, एक उदाहरण बतलाया कि एक पत्तों की गड्ढी ली जाए, पत्तों की गड्ढी, नोटों की गड्ढी होती है ना, वैसे पत्तों की गड्ढी ली जाए और तेज धार वाली तलवार से उसके ऊपर वार किया जाए, तेज धार वाली तलवार से उसके ऊपर वार किया जाए। जब वार करते हैं तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के बीच में वो तलवार पहुंचती है, उसमें भी असंख्य समय। अब सोच लो समय कितना छोटा है। और परमात्मा ने प्रेरणा दी कि समय मात्र का भी प्रमाद। अब अपने जीवन में देखो कितना प्रमाद है। आप अपने जीवन में देखो, मैं अपने जीवन में देखूं कि हम कितने क्षण प्रमाद में बिताते हैं और कितने क्षण हम अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। धर्म की आराधना में, दुखों से मुक्त होने में क्षण भर का प्रमाद भी हितकर नहीं होता। यदि किसी के पास बहुमूल्य पदार्थ हो, पर चारों ओर धूर्त लोग चक्कर काट रहे हो, स्थान भी सुरक्षित ना हो, तो ऐसी स्थिति में अपने को और अपने बहुमूल्य पदार्थ को किस सावधानी से रखा जाता है, उससे भी अधिक सावधानी आत्मकल्याण के लिए होनी चाहिए। आत्मकल्याण का ये जो स्वर्णिम अवसर है, ये चिंतामणि रत्न की भांति प्रत्येक प्राणी के लिए दुष्प्राप्य है। समय मिला है तो ऐसे समय में प्रमाद करना भारी भूल है। जो एक समय की कद्र करता है वह दिनों महीनों वर्षों की कद्र करता है, और जो समय को नष्ट कर देता है समय उसको, बोलो बोलो, जो समय को नष्ट करता है
समय उसे नष्ट करता है, अतः समय को सार्थक करना ही अप्रमाद है। गोयम के दो अर्थ है, एक है गौतम और दूसरा है गो का मतलब है इंद्रिय और मन, यम का मतलब है मन। इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त कराना और उन्हें नियंत्रण में रखना, ये सब मन के कार्य है। साधक स्वयं अपने मन से कह रहा है कि हे मन गोयम, हे मन धर्म साधना में क्षण भर की भी उपेक्षा मत कर। अगर तूने उपेक्षा की, अगर तूने प्रमाद किया, तो तू निश्चित रूप से संसार में परिभ्रमण करता रह जाएगा। इस अध्ययन के अंतर्गत बतलाया गया है कि इंद्रिय पल पल क्षीण होते चले जाते हैं। कहा भी है, इस दुर्लभ जीवन को पाकर जो पापी पाप कमाते हैं, वे अधोगति में जाकर के फिर रो रो कर दुख पाते हैं। हे गौतम तुम तो ज्ञानी हो, अब कर्म मैल को दूर करो। हे गौतम अपने जीवन को तप संयम से भरपूर करो। तुम कल कल करके जीवन की शुभ घड़ियां मत बर्बाद करो। तुम सत्य धर्म के हे गौतम मत प्रमाद कर। तन फूल सपावन धरती पर हे गौतम खिलना, उत्तम जाति के मानव का हे गौतम मिलना दुर्लभ। शास्त्रों के रस का पान जीव या कभी कभी ही करता, या संयम के पथ पर श्रद्धा से पग कभी कभी ही धरता। यह सब कुछ पाकर हे गौतम ना मन अपना आजाद कर। तुम सत्य धर्म के पालन हे गौतम मत प्रमाद कर। हे गौतम तेरे केशों का कालापन उड़ता, बल नयनों का बल हर एक पल घटता जाता। हे गौतम तेरी कलिका सा हर दांत उखड़ता जाता। तन सुंदर कोमल पर देखो यह चला बुढ़ापा, इसलिए पाप से दूर रहो और मरण काल को याद कर। तुम सत्य धर्म के पालन हे गौतम मत प्रमाद। तुम मोह माया के बंधन को हे गौतम अब तो तोड़ चुके। तुम भोग भरी विष दुनिया हे गौतम मन से छोड़ चुके। सब राजे और महाराजे थे चरणों में है पड़े हुए। हे गौतम तुम तो संयम के उत्तम मार्ग पर चढ़े हुए। जो कमल नदी का अंगों से ना कीचड़ को लिपटाता, इस तरह बनो तुम निर्मोह यह राग बड़ा दुखदाता। अब निकट किनारा आया है ना भोगों को अब याद कर। तुम सत्य धर्म के इतना अगर प्रतिदिन पढ़ लिया आपने तो अप्रमत्त मार्ग का वर्णन कर लिया आपने। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बातें मैंने सुनाई है ये सब विवेचन योग्य है, परंतु आप सब समझ गए होंगे कि इस दुर्लभ जीवन को पाकर जो पापी पाप कमाते हैं, वे अधोगति में जाकर के फिर रो रो कर दुख पाते हैं। अधोगति में जीव जाता है और रो रो करके दुख पाता है। एक कुत्ते को देख लो, जरा से रोटी के टुकड़े के लिए कितनी मार सहन करनी पड़ती है। छोड़ो उसकी बात, नरक गति के जीव को देखो, एक क्षण का भी वहां पर सुख नहीं है। परमात्मा फरमा रहे हैं कि ये तन मानव जीवन का, ये मनुष्य जन्म का तन, इसको फूल की उपमा दी कि गौतम ये इस धरती पर खिलना ही दुर्लभ है और उत्तम जाति के मानव का हे गौतम मिलना दुर्लभ है। शास्त्रों के रस का पान जीव कभी कभी ही करता है, संयम के पथ पर श्रद्धा से पग कभी कभी ही धरता। थोड़ा समय आता है जब मनुष्य के भीतर में धर्म की उत्कृष्ट भावनाएं उत्पन्न होती है। कल प्रवचन पूरा हुआ, कुछ बहनें कुछ शंकाओं को लेकर के उपस्थित हुई तो एक बहन कहने लगी, महाराज जी पेपर सॉल्व करने में तो रात के एक एक बज जाते हैं, और ऊपर से आपने 27 लोगस भी बताए हैं, 5 नमोथुनम भी बताए हैं, समय किधर किधर चलता चला जा रहा है, उत्साह भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे समय भी कम पड़ रहा है। आगे बताया प्रेरणा देते हुए कि हे गौतम तेरे केशों का कालापन उड़ता जाता है। केश काले होते, केश सफेद होते हैं और आप क्या करते हो, काले कर लेते हो, परंतु वो कालापन क्यों उड़ रहा है? वो प्रेरणा दे रहा है कि बुढ़ापा, परंतु आप क्या कहते हो, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, काले केश काले ही रहने चाहिए। बल आंखों का घटता है, चश्मा लगा लेते हो, बल कानों का घटता है, मशीन लगा लेते हो, और दांत एक एक करके गलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, और आगे आने वाले समय में क्या करते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो
और पूरी बत्ती सी बना करके फिट कर लेते हो, परंतु यह सब करने से जो सांसें बीत रही है वो सांसें वापस आने वाली है? कदापि नहीं। भगवान गौतम स्वामी को फरमा रहे हैं, हे गौतम, तुम मोह माया के बंधन तोड़ चुके हो, तुम भोग भरी विश्व दुनिया को छोड़ चुके हो, सब राजे महाराजे चक्रवर्ती तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं, और हे गौतम, तुम संयम के उत्तम मार्ग पर चढ़े हुए हो। जैसे कमल नदी में रहता हुआ कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से स्पृष्ट नहीं होता, कीचड़ से सना हुआ नहीं रहता, इस तरह तुम निर्मोही बनो। किसको बताया? फरमाया, गौतम स्वामी कितने निर्मोही थे, उनको राग था तो केवल परमात्मा से, शेष संसार से किसी से भी राग नहीं था। आप सुनेंगे गौतम प्रतिमोत्पदा के दिन वो भावमय कहानी, गौतम स्वामी कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं कि तुम निर्मोही बनो, वो तो बिल्कुल निर्मोही थे, हम भगवान की वाणी को अपने जीवन पर लगाते और स्वयं को देखे कितना मोह है, और अपने मोह को दूर करें। अगर हम अपने मोह को दूर करते हैं तो हम इस अध्ययन की एक एक गाथा को अपने जीवन में उतारेंगे। एक एक गाथा में बताया कि इंद्रिय बल प्रतिक्षण घटता जा रहा है, शरीर घातक रोग आ रहे हैं, राग कैसे हटाना है उसकी प्रक्रिया इसमें बताई, त्यक्त भोगों को पुनः सेवन करने का न उपदेश, जो भोग छोड़ दिए उनको वापस अपनाना नहीं, विषम मार्ग पर चलने का निषेध, विषम मार्ग पर चलना नहीं, तीर के निकट यानी किनारे के निकट पहुंच गए और वापस मन में आया एक डुबकी तो, और डुबकी लगाई और संसार में, संसार सागर में उलझ गए। इसलिए कि इस तरह किनारे पर आने पर छलांग लगाने की सोचना, डुबकी लगाने की कभी मत सोचना। क्षपक श्रेणी से सिद्धत्व की प्राप्ति, शांति का संदेश और गौतम स्वामी का मोक्ष वर्णन इत्यादि विषयों का इस अध्ययन में विस्तार से वर्णन मिलता है। इस अध्ययन में कुल 37 गाथाएं हैं, जो आत्म जागृति के साथ अपनी काव्यमयता एवं गेयता की दृष्टि से भी अनुपम है। इस अध्ययन को आप अपने जीवन में प्रतिदिन अगर फेरो तो आप प्रतिदिन वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाओगे, शरीर की नश्वरता का ध्यान होगा, और राग से विराग और विराग से वितरागता की ओर आगे बढ़ना है। जैसे वृक्ष का पीला पत्ता वृक्ष से टूटता है, ऐसे हमने प्रेरणा पानी है कि हम भी इस मानव जीवन से एक दिन चले जाने हैं, तो जाने से पूर्व कुछ ऐसी कमाई कर ले कि आगे आने वाले भव में परमात्मा की वाणी सुलभता से मिले। इन्हीं भावों के साथ उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान। आगमे तिविहे पणते तंजा सुप्तागमे अत्थागमे तुद्यागमे एवाशी शुद्ध ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे हो ते में आलोम जम वैदम वच्चा मेलियम हिणकरम अचकरम पैहिणम विणहिणम जोघिणम घोषिणम सुठु दिन्नम दुठु परिचयम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाय न सज्जाइयम भरता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो। जो मैं देव सी अय्यार को तस्समिच्छामि दुक्कड़म तस्समिच्छामि दुक्कड़म तस्समिच्छामि दुक्कड़म।